पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश में और विदेशों में भी एनआरसी और सीए को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक कंफ्यूजिंग और हॉरिबल सिचुएशन लगातार बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये असंवैधानिक है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये संवैधानिक है। सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में लोग उतरे हुए हैं, कुछ इसमें समर्थन में हैं तो कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग हाथों में गांधी जी की तस्वीर लिए तो कुछ लोग नारों के साथ अपनी अपनी आवाज को, अपने विचार को सरकार के सामने व्यक्त कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि इस कानून को वापस ले लेना चाहिए, तो कुछ इसके समर्थन में भी बोल रहे हैं। सब कुछ मिलाकर एक अराजकता का माहौल बना हुआ है। बहुत से समुदाय में भय का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जहां लाखों लोग सड़क पर विरोध दर्ज करा रहे हैं, वहीं ऐसे भी तबके हैं जो सरकारी दफ्तरों में गुमनाम कमरों में अपने डॉक्यूमेंट सही कराने में लगे हुए हैं। ऐसे ही कई एहतजाज आसनसोल में भी दर्ज कराए गए, जो आए दिन हम तक पहुंचते रहे हैं और हमारे चैनल ने दिखाया भी है। इस बिल पर पक्ष का लगातार कहना है कि यह असंवैधानिक नहीं है, बल्कि देशवासियों को विपक्ष द्वारा वरगलाया जा रहा है। जबकि विपक्ष लगातार इनकार कर रही है कि जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं वो खुद जानकार हैं, वो कानून की समझ रखते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकते हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच में हमारे देश में आजकल जो कुछ चल रहा है उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो वो आम नागरिक है। नाजरीन आदाब, मैं रफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल की खास पेशकश आपकी बात हमारे साथ, स्पॉन्सर्ड बाय महल बैंकेट एंड को स्पॉन्सर्ड इन विलास महल बैंकेट क्रूज फैशन। और इसी बिल के विरोध में 13 दिसंबर को जामिया के छात्र छात्रा सड़क पर उतरे थे और ये प्रोटेस्ट साइलेंटली चल रहा था। लेकिन 15 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ वो अचानक से उग्र हो गई और इस उग्रता को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन पुलिस पे आरोप है कि वो जामिया के लाइब्रेरी तक घुस गई और बच्चों पर निहायत ही बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस चलाए गए। इन सब के बीच फायरिंग का भी आरोप पुलिस पर है, लेकिन पुलिस अब तक इससे लगातार इनकार करती आ रही है। जबकि कई बच्चे इसमें जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पतालों में एडमिट भी कराया गया है। कुछ बच्चों की आंखों की विजिबिलिटी चली गई है, किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के सर में चोट आई है, लेकिन पुलिस अपने फायरिंग वाली बात से लगातार अब तक इनकार करती आ रही है। और इन सब वाकयात से माहौल इतना बिगड़ गया कि जामिया प्रबंधन को जामिया में छुट्टी करनी पड़ी और इस छुट्टी के कारण तमाम बच्चे अपने घर की तरफ पलायन कर गए। जबकि बताया जा रहा है कि जामिया में एग्जाम पीरियड चल रहा था, तो इन सब से बच्चों का कितना नुकसान हुआ, वो कितने भयभीत हैं, आइए जानते हैं जामिया के ही एक छात्र से जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपसे सबसे पहले अनुरोध करूंगी कि आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बता दें। मेरा नाम मोहम्मद इमाम है, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ज्योग्राफी की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं थर्ड ईयर में हूं। अच्छा, तो मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगी और जो मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम लाजमी सवाल है कि 15 दिसंबर को जब ये सब हो रहा था, जो हमने सूत्रों के जरिए न्यूज़ चैनल्स पर हमने देखा कि 15 दिसंबर को जामिया में क्या क्या हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे? लाइब्रेरी में थे या सड़क पर थे? आप उस प्रोटेस्ट के हिस्सा थे या फिर आप लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे? मैं लाइब्रेरी में नहीं था, मैं सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहा था और आंसू गैस झेल रहा था पुलिस के, काफ़ी ज़्यादा आंसू गैस उन्होंने डाला सड़क पर, जो और बहुत सारे आंसू गैस थे जो 2014 में एक्सपायर कर रहे थे, बट उन्होंने फिर भी वो हम पर फेंका। वो इन्हें ये नहीं सोच रहे थे कि उस इस वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है छात्रों का, कि हम छात्र कोई आतंकवादी नहीं है, ये उन्हें समझना चाहिए। और 15 दिसंबर को जब ये माहौल बिगड़ा तो इसमें गलती छात्रों की नहीं थी, पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से 10 जो लोग हैं वो कोई भी जामिया के स्टूडेंट नहीं है। और पुलिस और प्रॉक्टर साहब हमारे, उन्होंने कहा था कि कोई मतलब पुलिस से कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ है, पुलिस को कोई ऑर्डर नहीं था कैंपस में एंटर करने का, पुलिस बिना प्रॉक्टर के परमिशन के कैंपस में एंटर हुई, उसके बाद लाइब्रेरी गई और लाइब्रेरी में उन्होंने छात्रों पर बेहिसाब डंडे बरसाए। एक मिनाज भाई हमारे एलएलएम कर रहे हैं वहाँ से, तो वो एलएलएम वो एमफिल की हमारी अलग 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 बिल्डिंग है, वो मतलब अलग वहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे क्लास वहीं पर थे, तो पुलिस ने उनकी आँख पे यहाँ पे मारा है और हाथों पे मारा है, उनकी आँख की विजिबिलिटी चली गई एक आँख की, और एक आँख की अभी है, वो भी कह रहे हैं कि
कम दिन है, मतलब उसमें पर काफ़ी परेशानी है और काफ़ी लड़कियां हैं। और इसके बाद 16 दिसंबर को 6 लड़कियां बाथरूम से बेहोश मिली हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और पुलिस किसके ऑर्डर से ऐसा कर रही है? और पुलिस को इतना एम्पावर कौन कर रहा है? हमारा सवाल ये है। उस दिन ही जो हमारे हम तक जो खबरें पहुंची, हमने देखा कि 240 जामिया स्टूडेंट को डिटेंट किया गया था। आखिर उन्हें क्यों डिटेंट किया गया? क्या उस डिटेंशन में आप भी थे? नहीं, मैं उस डिटेंशन में नहीं। आपके कुछ साथी? मेरे साथी थे, हमारे आसिफ भाई है बीकॉम के, वो थे और काफ़ी लोग थे। और हमें डिटेन बस इसलिए किया गया क्योंकि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने का, तो पुलिस और हम काफ़ी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस वालों ने पहले लाठीचार्ज किया, तो और एंटी सोशल एलिमेंट हर जगह होते हैं, तो हमारे वहाँ पे भी थे। कुछ लोग थे जिन्हें जो जामे के स्टूडेंट बिल्कुल नहीं थे, वो उन्होंने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, उन्होंने स्टोन पेंटिंग की है। मतलब आप कह रहे हैं कि जामिया स्टूडेंट साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये कुछ उग्र लोग थे, जो बाहरी लोग थे जिन्होंने उसको वायलेंस में बदला। वो जामिया स्टूडेंट थे क्योंकि जो भी थे उन्होंने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, मुंह पे यहाँ पे मुंह ढक रखा था, उन्हें हम बिल्कुल नहीं पहचानते। स्टोन पेंटिंग वो कर रहे थे, बट पुलिस ने निहत्ते लोगों पर लाठीचार्ज किया, वो लाइब्रेरी में जाकर। लाइब्रेरी वालों का तो प्रोटेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं था, वो लाइब्रेरी में जाकर क्यों मारा? सेंट्रल कैंटीन पे लड़के बैठे थे, सेंट्रल कैंटीन को पूरा तोड़ दिया, हमारा हमारी लाइब्रेरी को तोड़ दिया। अभी हमारा एग्जाम पीरियड है, अभी 14 दिसंबर, हमारा एग्जाम पोस्टपोन होकर 14 जनवरी हो गया, अभी हम पढ़ेंगे कहाँ? सवाल ये हमारा, अभी हम पढ़ेंगे कहाँ? लाइब्रेरी को जला दिया, लाइब्रेरी से क्या लेना देना था पुलिस का? आपको कहना है कि पुलिस जो लाइब्रेरी तक पहुंची, वो जाहिर सी बात है कि उसकी इजाजत लेनी होती है पुलिस को। पुलिस ने एंटर करने की इजाजत लेनी होती है पुलिस को, लेकिन पुलिस धड़ल्ले से लाइब्रेरी तक घुसी और वहां उन्होंने बहुत बर्बरता से लाठीचार्ज किया। हाँ, तो हमारे पास काफी वीडियो फुटेज है उसकी, अगर आप चाहे तो हम वो भी दिखा सकते हैं आपको कि किस तरह से वहां पे लाठीचार्ज हुआ और किस तरह से मारा गया और किस तरह से लोग डरे हुए थे। बाथरूम में जा जाकर लड़कों को मारा गया। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट रोड पे करेंगे ना, गेट पे करेंगे, बाथरूम में जाके लड़कों को क्यों मारा गया? मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत लाजमी सा क्वेश्चन है कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, और तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, ये पूछना चाहूँगी आपसे कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या आपकी मानसिकता है, या आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो आप NRC और CAA के विरोध में खड़े हैं? आखिर आप इस बिल के विरोध में क्यों खड़े हैं? क्योंकि मैं इस बात को यहाँ शुरू करना चाहूँगा, अटल जी की एक कोटेशन है, इफ इंडिया इज नॉट सेकुलर देन इंडिया इज नॉट इंडिया एट ऑल। अगर ये सेकुलर नहीं है तो ये इंडिया नहीं है, ये अटल जी कहते हैं, अटल जी ने। तो आपको क्या लगता है कि सेकुलरिज्म पर कोई आंच है CAA और NRC से? तो इसमें सारे धर्मों को लाया गया, मुस्लिम को क्यों नहीं लाया गया? अगर मुस्लिम भी आता तो यहाँ पे तो मामला खत्म हो जाता, हम क्यों प्रोटेस्ट करते? सबको लाया गया, मुस्लिम को क्यों नहीं लाया गया? अगर अमित शाह जी बोलते हैं कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ से मुस्लिम नहीं आएंगे तो मुस्लिम को शामिल कर लो, परेशानी क्या है इसमें? जब वहाँ से उनको पता है कि मुस्लिम नहीं आएंगे तो शामिल कर लो मुस्लिम को, मामला खत्म हो जाएगा। जब इंडिया सेकुलर है तो इंडिया को ये खूबसूरती रहनी चाहिए ना। मतलब आप अपने सेकुलरिज्म को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि सरकार जो कह रही है, पक्ष दल जो ये बिल लेकर आई है लोकसभा राज्यसभा में प्रेसिडेंट के साइन से जो पास भी हो चुका है, तो उनका लगातार ये कहना है कि इंडियन सिटीजन का इस बिल से कोई लेना देना है ही नहीं है। लगातार वो यही कह रहे हैं कि इंडियन सिटीजन का इस बिल से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बिल सिर्फ उनके लिए है जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहाँ जो लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो उन्हीं को यहाँ लाना चाहते हैं, उनको यहाँ सिटीजन देना चाहते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि मुस्लिम, वो तो मुस्लिम देश है, तो मुस्लिम प्रधान जो देश है वहाँ मुस्लिम तो प्रताड़ित होगा नहीं, जाहिर से कि जो माइनॉरिटी में रहते हैं वही प्रताड़ित होते हैं। तो अगर वो रिफ्यूजीज यहाँ आ जाएंगे तो उससे आपको क्या परेशानी है? क्या आप उन्हें अपने देश में नहीं देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर सवाल सरकार का ये है, तो पाकिस्तान में भी अहमदियाज, बलोच, वो भी काफ़ी प्रताड़ित है, सियाज वहाँ वो भी काफ़ी प्रताड़ित है, तो मुसलमान वो भी है, उन्हें मिलाएं। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर लाना है तो सभी प्रताड़ित लोगों को लाया जाए, इसमें धर्म ना देखा जाए। और एक और बात यह है कि सरकार ने कहा कि जो भी लोग, सरकार ने कुछ 4 क्राइटेरिया दिया है, कहा कि उसके अंडर जो आ रहे हैं उनको ही लाना है, उन्हीं को नागरिकता मिलेगी, ठीक है? तो सरकार ने 4 क्राइटेरिया दिया था। पहला यह था कि जो 31 दिसंबर 2014 तक यहाँ आ चुके हैं, दूसरा है कि उनका पासपोर्ट
एग्जम्पशन नहीं हुआ होगा पासपोर्ट में, ठीक है, और फॉरन, और तीसरा ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से होने चाहिए, और चौथा ये है कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट, ये छह रिलीजन से होने चाहिए। तो रॉ की एक रिपोर्ट है जिसमें ऐसे जितने भी लोग हैं ना जो पासपोर्ट चेक करा के आए यहाँ पे इंडिया में, तो वो बस 31,313 है, तो उन्हें दे दो। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सारे सबको देंगे, तो सब ने तो आपको पासपोर्ट चेक भी नहीं कराया, सब काफी इलीगल है, वो इससे सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है इंडिया को। मतलब आप कह रहे हैं कि वो सारे लोगों को अगर दिया जाए तो उससे हमारी जो हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उस पर आँच आ सकती है, क्योंकि सारे लोगों को जज कर लेना या सारे लोगों की टेस्टिंग कर लेना ये कोई इजी बात तो है नहीं, क्योंकि अगर सारे लोगों का लाया जाए तो उनकी संख्या काफी होगी। वो 3 से 4 करोड़ बता रहे हैं। आप असम को देख लीजिए, वहाँ की पॉपुलेशन 3.6 करोड़ है, वहाँ पे एनआरसी करने में आपको 10 साल लग गया। अगर वो 1 करोड़ भी आते हैं तो उनके एनआरसी करने में 1 साल से ज्यादा लगेगा, आराम से लगेगा। अगर उस टाइम तक अगर उनमें से एक भी आतंकवादी आ गया, उसने अगर देश में कुछ गलत कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब आप इसके जो विरोध कर रहे हैं, जो आपको यही लगता है कि इससे देश को खतरा है? बिल्कुल खतरा है, क्यों नहीं खतरा है? सरकार अगर कोई भी बिल ला रही है तो सरकार सारे एस्पेक्ट देखे ना। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने सारे एस्पेक्ट देखे बिना ही ये कर दिया? हाँ, मुझे लगता है, इसलिए मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है जिनको नहीं लग रहा वो नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट। महल बैंकिंग, शहर का सबसे यूनिक और वेल अरेंज्ड मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, 10,000 स्क्वायर फीट लॉन एरिया और 6,000 स्क्वायर फीट पार्किंग एरिया के साथ फर्निश्ड एसी रूम्स, मल्टीपर्पज एसी हॉल्स, 24 आवर्स पावर बैकअप, 24 आवर्स ड्रिंकिंग वाटर और लिफ्ट फैसिलिटी का भी बंदोबस्त है। लाइटिंग, डेकोरेशन, चेयर्स, टेबल भी दस्तयाब है। आसनसोल के इलाके में अपनी तरह का एक अकेला मैरिज हॉल जिसमें हर तरह की सहूलियात मुहैया है। शादी ब्याह और दूसरे प्रोग्राम के लिए जरूर बुक करें। हमारा पता है, महल बैंकेट, हाटन रोड नियर दानिशगंज स्कूल, 9832129091। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियत मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है, इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती धीरे धीरे तपती जा रही है और कई जानलेवा बीमारियों से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। आज पूरा विश्व ही प्रदूषित वातावरण के कारण दिन प्रतिदिन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रण ले अपनी आसनसोल को इस खतरे से बचाएं। आसनसोल नगर निगम की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी दुकानदार, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता या होकर पॉलिथीन या प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम इलाके में पॉलिथीन या प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण, भंडारण, बाहर से मंगवाना, बेचना एवं परिवहन करने पर पूर्णतः रोक है। मात्र 50 से ज्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक व पॉलिथीन ही व्यवहार में लाएं। अपने शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के साथ साथ अपनी सेहत का भी रखें ख्याल। सार्वजनिक स्थानों पर पान, मसाला, गुटखा, धूम्रपान व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम प्रशासन की ओर से आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आसनसोल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें। तालाब, नदी एवं नालियों में कचरा ना फेंकें। कूड़ा कचरा निर्दिष्ट कूड़ेदान में ही फेंकें। और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करें। आइए हम सब मिलकर प्रण ले, क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। सब जानते ही हैं कि जामिया में एग्ज़ाम पीरियड चल रहा था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको एग्ज़ाम देना था, कुछ लॉ के थे, कुछ पॉलिटिकल साइंस वगैरह के स्टूडेंट थे जिनको एग्ज़ाम देना था, पर अचानक से वहाँ का माहौल बिगड़ जाने से प्रबंधन ने कॉलेज बंद कर दिया और एग्ज़ाम वगैरह सब
कैंसिल हो गए। तो क्या आपका भी एग्जाम होने वाला था? मेरा एग्जाम होने वाला था 18 दिसंबर को, जो अब 14 जनवरी को होगा। उसकी भी अभी कोई गारंटी नहीं कि एग्जाम होगा। किस चीज का आपका एग्जाम? मेरा एग्जाम था ज्योग्राफिकल थॉट का, और मेरे दोस्त था उनका 14 दिसंबर को एग्जाम था उनका, उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया, 13 दिसंबर से प्रोटेस्ट स्टार्ट था। और तो इस एग्जाम को का प्रिपरेशन के लिए आप लोगों ने पिछला कितना वक्त दिया था अपना? हमने अपना पूरा एक महीना इसमें दे दिया, रात पूरी रात रात हमने पढ़ाई की, काफी मेहनत की हमने। और इसमें हुआ क्या कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया, काफी टाइम बर्बाद हुआ। अभी हमारा फाइनल ईयर है, काफी लोगों का फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में एंट्रेंस भी होते हैं लोगों के, उसकी भी प्रिपरेशन करनी होती है, और भी काफी काफी चीजें पढ़नी होती है, तो इस वजह से हमारा काफी ज्यादा नुकसान हुआ पढ़ाई का। इन सब के दरमियान जब प्रोटेस्ट हो रहा था, लाठी चार्ज हो रही थी, तो क्या आपने भी कोई पुलिस की लाठी खाई? क्या आपको भी कोई चोटें आई? नहीं, मुझे चोट तो नहीं आई, पर आंसू गैस से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, काफी परेशानी हुई थी आंखों में। आंसू गैस तो बहुत ज्यादा ही, मतलब 50 से ज्यादा आंसू गैस, और उसके साथ और कौन सा टियर ग्रेनेड होता है, उससे काफी काफी बच्चों के का हाथ चला गया, किसी का अंगूठा चला गया। मतलब टियर गैस तक तो ठीक है, पर आप टियर ग्रेनेड फेंक रहे हैं बच्चों पे। हम बच्चे हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, ये समझना चाहिए दिल्ली पुलिस को। लेकिन दिल्ली पुलिस जहां तक अपने बर्बर इससे जो देखा गया है उसे वो लगातार इनकार कर रही है कि फायरिंग की ही नहीं गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा जिनको गोली लगी है। काफी कोई ऐसे साथी थे आपके जो एडमिट हुए हॉस्पिटल में, जो ज्यादा इंजर्ड हुए? काफी साथी है जो इंजर्ड हुए हैं, काफी 20 साथियों को सीवियर इंजर्ड है, 80 टोटल इंजर्ड हुए हैं, 20 सीवियर इंजर्ड, 20 को सीवियर इंजरी हुई है, और बस 80 तो मैंने मुझे पता चला, क्योंकि जब तक मैं वहां था तब तक 80 साथी मेरे इंजर्ड हुए थे। और होली फैमिली में 50, होली फैमिली वहां के पास का हॉस्पिटल है, वहां पे हमारे 50 साथी थे, उनका नाम एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, और उन्हें बोला, कह रहे थे कि जो भी लोग हैं इनके, मतलब इनके जानने वाले, या जल्दी से यहाँ आ जाए। और 16 दिसंबर को इस प्रोटेस्ट के अगले दिन, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे 16 दिसंबर को इस इंसिडेंट के अगले दिन, तो काफ़ी मतलब तो हम बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमने आधे रास्ते में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, आधे में मतलब गाड़ी वाड़ी जाने के लिए हमने छोड़ दिया था, तो काफ़ी लोग जा रहे थे, तो मैक्सिमम लोगों से मैं पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उधर आगे पुलिस की नाकाबंदी है, तो वो कह रहे थे मैं होली फैमिली जा रहा हूँ। मतलब वहाँ के लोकल लोग भी, होली फैमिली अलसिफा फोर्टिस में काफ़ी लोग एडमिट हैं, या मिनाज भाई की तो आके चले गए, इसका हिसाब कौन देगा? और छह लड़कियां जो बाथरूम में जो अगले दिन मिली 16 दिसंबर को, 15 दिसंबर के बाद लगभग वो 17 से 18 घंटा इस ठंड में बाथरूम में पड़ी रही बेहोश, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये दिल्ली पुलिस करना क्या चाह रही है हमारे साथ? इन सब के बाद जो भी इंसिडेंट हुआ जामिया में, इन सब के बाद जामिया का कैसा माहौल रहा? बच्चों में क्या भय देखने को मिला? बच्चे मेंटली तौर पर बहुत ये हुए होंगे, डरे होंगे, भयभीत हुए? काफी ज्यादा डरे हुए, काफी ज्यादा ही डरे हुए। मैंने एक 15 दिसंबर को एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है हसनुल, तो उससे मैंने फोन किया, वो रो रहा है फोन पे, बोल रहा है भाई, मैंने कहा भाई जब इतनी परेशानी तो चले जाओ, बोला भाई मैं नेहरू गेस्ट हाउस में छुपा हूँ, अगर मैं यहाँ से निकला तो वो मार देंगे मुझे, इतना ज्यादा डरा हूँ, मतलब वो रो रहा था फोन पे। और उसके अगले 15 दिसंबर को ही मैं जामिया नगर में रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं दो बस से दिल्ली पुलिस आके तैनात थी वहाँ, तो आमतौर पर पुलिस आते हैं तो हम लोग चैन सुकून से सो जाते हैं कि नहीं पुलिस आई है, अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस रात हम पूरी रात सोए नहीं, इसलिए कि पुलिस थी वहाँ, हमने पुलिस मतलब माहौल ऐसा हो गया था कि जिस पुलिस को हम अपनी सेफ्टी के लिए समझते हैं कि वो हमारी सेफ्टी के लिए है, पर उस वक्त आपको ऐसा लग रहा था कि पुलिस है तो उनसे आपको खतरा है, आप सेफ नहीं है? हाँ, हम बिल्कुल अनसेफ फील कर रहे थे उस रात, हम पूरी रात उस दिन 15 दिसंबर को पूरी रात हम सोए नहीं। हमने क्या किया था, हमारा मेन गेट है, हमने अपने मेन गेट पे अपने पलंग को सटा दिया था, कोई आए तो हमें टाइम मिले, और हम सारे रूममेट्स एक रूम में बैठे थे, और सारी रात हम बैठे ही रहे, और जूता होता पहन के बैठे कि अगर कुछ हुआ तो हम लोग यहाँ से तो किसी तरह निकल जाएंगे, और अफवाहें तो बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और 15 दिसंबर को मैं वहीं यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे गार्ड ने जामिया की स्कूल बिल्डिंग के पीछे वाले गेट से कब्रिस्तान के रास्ते निकाला है, बोला कि उधर मत जाओ, उधर पुलिस है। जब मैं वहाँ से निकला, और मैंने सोचा कि मैं मस्जिद वाले गेट से निकल जाऊँगा, तो मस्जिद वाले गेट में इतना ज़्यादा टियर गैस था कि वहाँ पे सांस नहीं लिया जा रहा था। अब बताइए मस्जिद में कौन जाएगा प्रोटेस्ट करने, मस्जिद में क्यों टियर गैस फेंका गया? इमाम को मारा गया, वो क्यों मारा गया? हाँ, ये वहाँ के गार्ड कह रहे हैं, वो गार्ड को भी मारा गया, वो एक्स आर्मी रह चुके हैं,
आर्मी पे तो बहुत प्राइड है आपके, हमारी गवर्नमेंट को आर्मी आर्मी करते रहती है, और आर्मी पे हमला, ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या करना चाह रही है पुलिस, और ये किसके ऑर्डर पे कर रही है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये भी देखा गया, हमने न्यूज़ चैनल में सोशल मीडिया पे हमने ये भी देखा कि उसी जामिया के बच्चे जिनको लगातार आतंक कहा जा रहा है कि वो आतंक मचा रहे हैं, या फिर उन्होंने ही रैली को वायलेंस किया या जो भी किया, और जिसके वजह से पुलिस को मजबूरन उन पर फायरिंग करनी पड़ी, उन्हीं में से कुछ बच्चों को हमने ये भी देखा कि वो सरकार की स्वच्छ भारत वाली मुहिम को अपने जहन में रखते हुए और इन सबके दरमियान सड़कों पर जो गंदगी फैल गई थी, पैकेट्स वगैरह जो नजर आ रहे थे, उनको वो समेटते दिखे अगले दिन। तो क्या उस मुहिम में आप थे? जी मैं बिल्कुल, तो 16 दिसंबर को जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो 5:30 बजे हमने डिस्पर्स कर दिया प्रोटेस्ट, क्योंकि 5:30 बजे ऑफिशियल टाइम होता है, उसमें डिस्पर्स कर दिया हमने, सारा ट्रैफिक क्लियर किया, और 6:30 बजे वापस आए, और हमारे जामिया के गफार मंदिर के पास भी बहुत सारे भाई रहते हैं और जामिया के एलुमनाई, हम सब ने मिलकर पूरा पूरा कचरा साफ किया वहाँ पे, जितनी जितनी गंदगी हमसे फैली थी, हमारे प्रोटेस्ट की फैली थी, वो हमारी जिम्मेदारी है, जामिया हमारा घर है, हमें हमारी जिम्मेदारी उसको साफ रखना। तो हमने काफ़ी, रात के 11 बज गए थे, हमें साफ करते करते हमने काफ़ी मेहनत से सारा कचरा साफ किया, सबको एक जगह किया, NCD की गाड़ी आई, उसको उस पर कचरा भेजा। इन तमाम बातों के बाद मैं आपसे एक लाजमी सवाल पूछना चाहूँगी कि जब जामिया का माहौल बिगड़ गया और पूरी वहाँ के यूनिवर्सिटी पर बंधन को जामिया बंद करना पड़ा, हॉस्टल्स में छुट्टी करने पड़े, तो जाहिर सी बात है कि पूरे जामिया में या पूरे जामिया के हॉस्टल्स में चंद बच्चे तो होंगे नहीं, काफ़ी तादाद में बच्चे होंगे, एग्ज़ाम पीरियड था, तो जाहिर है कि वो अपने घर पे नहीं होंगे, वो अपने हॉस्टल्स में, वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ही होंगे। तो अचानक से जब आपको कह दिया गया कि आपको जामिया छोड़ना होगा और अपने अपने घर की तरफ जाना होगा, तो घर पहुंचने में किस दिन आप वहां से निकले और घर पहुंचने में आपको क्या दिक्कत पेश आई और किस तरीके से आप अपने घर तक पहुंच पाए? दिक्कतें तो बहुत हुई, सबसे पहले दिक्कत तो हमें 15 दिसंबर को, क्योंकि मैं जामिया नगर इलाके में रहता हूँ, जामिया के मैक्सिमम बच्चे जो बाहर रहते हैं जिन्हें हॉस्टल नहीं मिलता है तो जामिया नगर में ही रहते हैं, तो ऐसा होता कि जामिया नगर मतलब वहाँ का ओखला इलाका है, उसे ज़्यादातर में पुलिस ने छावनी बना दिया था, वहाँ पे घेरे थे, काफ़ी दुकान बंद था वहाँ पे, हमें खाने में काफ़ी परेशानी हुई, हमें रात भर तो हम सो नहीं पाते थे, क्योंकि कभी भी पुलिस आ सकती थी, क्योंकि ऐसे ऐसे अफवाहें फैल रही थी कि कभी भी पुलिस आ जाएगी, कहीं से लड़के उठा रहे, मतलब बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी। ये दिक्कत हमें 15 दिसंबर को, 15 से 16 दिसंबर हमें टिकट वगैरह तो मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि सारी टिकट्स बुक थे, और हॉस्टल को रातों रात खाली करा दिया गया बहुत हद तक, और लड़कियां मतलब 15 दिसंबर के दिन एक कुछ गर्ल्स हॉस्टल में भी कुछ लड़के जो कॉलेज के लड़के थे वो जाके मतलब चले गए थे गर्ल्स हॉस्टल में, एटलीस्ट पुलिस नहीं आई उन्हें मतलब मारने के लिए, क्योंकि पुलिस पूरी यूनिवर्सिटी में घूम रही थी और जहाँ कोई भी लड़का दिख रहा था उसे मार रही थी, मतलब जो मेल स्टूडेंट्स है उनको ये कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि लड़कियों के साथ वैसा नहीं होगा, जिस वजह से वो वहाँ जाकर छुप गए, वहाँ पे जाके वो चले गए थे वहाँ पे जो भी लड़के थे, तो मतलब पुलिस गर्ल्स हॉस्टल में घुस गई, काफ़ी लड़कियां वहाँ पे परेशान थी, 15 दिसंबर की मैं बात बता रहा हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में भी लड़कियां मतलब डरी हुई, उन्होंने अपना कमरा बंद कर लिया, सारी लाइट्स बंद थी वहाँ पे भी डरी थी, तो एक मेरी दोस्त है उससे मेरी बात हुई, वो मेरी क्लास में है, तो उसने ना 16 दिसंबर को सुबह सुबह ही छोड़ दिया, क्योंकि सुबह सुबह माहौल थोड़ा शांत होता है और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है सुबह, तो सुबह ही उसने छोड़ दिया, क्योंकि जिसकी ट्रेन शाम में थी वो भी सुबह ही चला गया, क्योंकि 10 बजे के बाद मेट्रो बंद कर देते थे, जामे से मेट्रो बंद है तो जामे मेट्रो बंद है, तो उससे काफ़ी परेशानी हुई, ऑटो वाले से कह रहे जामे जाना है तो वो बोल रहे थे नहीं जामे नहीं जाना है, वो मतलब कैब्स नहीं आ रहे थे जामे, हम मतलब जितना सवेरे हो सके हम उतना सवेरे निकल रहे थे, मतलब अगर आपको कोई कार वगैरह गाड़ी वगैरह ऑटोज मिल भी रहे थे तो वो ड्राइवर जामे जाने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो बोल रहे थे उधर बहुत ट्रैफिक है, बहुत माहौल ख़राब है, कोई नहीं जा रहा था, और काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, लड़कियाँ जो भी थी उनका सोशल में उनके फैमिली वाले आए उन्हें लेने के लिए, तब वो वहाँ से गई हैं, और लॉ वालों का तो एग्जाम अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लॉ वालों का एग्जाम 17 दिसंबर से शुरू होने वाला था, लॉ वालों का एग्जाम अभी शुरू भी नहीं हुआ, पता नहीं उनका एग्जाम कब होगा, और उनका एग्जाम काफी पोस्टपोन हो चुका था। ये सब जो कुछ भी हुआ इन सब से जाहिर है, ये बताने वाली बात ही नहीं है, जाहिर है कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई बहुत ज्यादा बर्बाद हुई है, तो इन सब के बाद अब आप क्या सोचते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स रह गए जिनके आपने इतने दिनों तक प्रिपरेशन की थी, वो एग्ज़ाम जो रह गए ऐसा कहा जा रहा है कि वो जनवरी में होंगे, तो इसके बाद आपके साथियों से भी आपकी चैटिंग वगैरह होती ही होगी जो अपने अपने घर पर होंगे अभी, तो अब पढ़ाई को लेकर एग्ज़ाम्स को लेकर आप किस तरह से खुद को प्रिपेयर कर? इस बात का तो मुझे अभी खुद पता नहीं कि मैं वहाँ से कैसे निकल पाऊँगा, लेकिन 8 जनवरी को मैं फिर से वापस जा रहा हूँ जामिया,
और वहाँ जाके मैं डिसाइड करूँगा कि आगे मुझे करना क्या है, क्योंकि एग्जाम तो देना ही है, क्योंकि अभी हमारे करियर का सवाल है, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन हमारा करियर अभी हमें बनाना है। तो मैं तो 8 जनवरी को जा रहा हूँ और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम 14 जनवरी को इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ तो तैयारी कर ही लूँगा और एग्जाम तो हो ही जाए। आप कहना चाह रहे कि लेकिन लेकिन जो डर हमारे घर वालों के दिलों में है कि जामिया में मेरे बच्चों का खतरा है, क्योंकि जो जो लड़के का आँख चला गया और काफ़ी लड़के घायल हैं, तो उनके दिल में जो डर है और जो देश में एक मैसेज जा रहा है कि जामिया में, मतलब क्योंकि लोग बहुत सारे मीडिया जो फैला रहे हैं कि जामिया में गुंडागर्दी हो रही है, जामिया में इन चीज़ों से जो जामिया की रेपो खराब हो रही है, और जो काफ़ी लड़के जो जामिया आना चाहते थे पढ़ने, उनके घर वाले अब उन्हें आने देंगे जामिया, वो तो बोलेंगे जामिया ने जो जामिया में तो गुंडे रहते हैं। हमारे खुद बीजेपी के MP आर के सिन्हा वो कह रहे कि आतंकवादों का अड्डा इसे बंद कर देना चाहिए। मतलब क्यों बंद कर देना चाहिए कि दो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है पूरे इंडिया में और वो कह रहे हैं कि उसे बंद कर देना चाहिए, क्यों? जामिया के एलुमिनाई के बारे में उन्हें पता है, अर्जुन अवार्ड मिला है जामिया के एलुमिनाई को, नेशनल अवार्ड मिला है जामिया के एलुमिनाई को, शाहरुख खान ग्लोबल स्टार जामिया एलुमिनाई, बीजेपी लीडर साजिया एलमी वो खुद जामिया एलुमिनाई है, वो बीजेपी जामिया एलुमिनाई को उन्होंने अपनी पार्टी में क्यों लिया अगर जामिया में आतंकवादी रहते हैं? तो वो कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो टैक्स पेयर का पैसा जामिया वाले बर्बाद करें, हमारे एलुमिनाई तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख ले आप, अगर आप डिमोनिटाइजेशन को देख ले तो उससे इंडिया को लॉस हुआ है 1,78,000 करोड़ का, 1,78,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ है डिमोनिटाइजेशन से, 43,000 करोड़ रुपया उन्होंने एड्स में खर्चा किया है। तो यहाँ टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है, और जीएसटी उनकी नीति थी, जीएसटी अभी इतनी बुरी है कि अभी काफ़ी पश्चिम बंगाल दिल्ली और मतलब नन बीजेपी 5 स्टेट्स है वो गवर्नमेंट को जीएसटी टैक्स शेयर नहीं दे पा रही स्टेट गवर्नमेंट को। इस तरह से अगर ये नीति अगर इनसे टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, 3,000 करोड़ की वो मूर्तियाँ बनवा रही है, 3,600 करोड़ की मूर्ति वहाँ बनी आपको महाराणा प्रताप की मुंबई में, तो इनसे टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है गवर्नमेंट, उनकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर आप निकाले PM की, तो इससे टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा। हम पढ़ लेंगे तो हम सवाल पूछेंगे, तो इससे टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो ये है जो सियासत हो रही है वो इस चीज़ को वो डर रहे हैं कि ये पढ़ लेंगे तो पूछेंगे, इस वजह से इस पर आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं कि जामिया में गुंडे पैदा होते हैं या जामिया को बंद कर देना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं आप? ये बिल्कुल, मैं पूछूँ उन्हें हक किसने दिया है जामिया को जज करने का? उन्हें जामिया का इतिहास पता है? नन कोऑपरेशन मूवमेंट से जामिया आया था, गांधी जी ने फाउंडेशन लेट रखा है जामिया का, तो मतलब उन्हें मतलब कुछ पता नहीं है, कुछ भी कोई भी कहीं से आएगा कुछ भी बोल देगा जामिया को। जामिया हो या BSU हो या AMU हो, ये हमारे देश का प्राइड है और यहीं से कल हमारे जो बच्चे हैं वो निकलेंगे और इस देश के लिए ही कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से निकलेंगे और अगर वो अमेरिका भी चले गए, लंदन भी चले गए, कहीं फॉरेन भी चले गए, तो इस देश का ही नाम रोशन होगा। बिल्कुल, हम वहाँ जाके प्राउडली बोलेंगे हम हिंदुस्तानी है, उसके बाद हम बताएंगे हम जामिया से हैं। तो मतलब पहले तो हम यही कहेंगे ना कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब देखना यही है कि जामिया में स्थिति पहले की तरह कब सामान्य होगी और सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर कितनी चिंतित है, हम तो बस इंतजार ही कर सकते हैं। लेकिन इस विषय पर आप सोचिएगा जरूर। अल्लाह हाफिज़।